आमिर, तुमने क्या सोचा है? मैं अपनी शादी डिक्लेयर नहीं कर सकता। डिक्लेयर नहीं कर सकता तो शादी क्यों की थी? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मेरे लिए अपने बचपन की मंगनी को तोड़ना इतना आसान नहीं है, और जब तक ये मंगनी खत्म नहीं होगी मैं अपनी शादी डिक्लेयर नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता था तुम इतने बुजदिल हो, इतना बड़ा कारोबार संभालते हो, करोड़ों की डील्स करते हो और अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकते। ये करोड़ों का बिजनेस मेरे बाप ने मुझे सेट करके दिया, और मेरी इस बात पर वो मुझे आग भी कर सकते हैं। लेकिन आमिर, इस तरह कब तक चलेगा? कब तक तुम मुझे छुप छुप के मिलते रहोगे? बस थोड़े दिन की बात और है, फिर सब ठीक हो जाएगा। टेंशन क्यों लेती हो? चलो एक चीज दिखाऊं। कब तक छुपाओगे ये बाल? छुपाना तो पड़ेगा यार, वरना तुम जानते हो क्या कयामत आएगी। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। तुम नहीं जानते नौरीन नशे की तरह, उसने बेबस कर दिया मुझे, मोहलत ही नहीं दी कुछ सोचने की। शराब की बोतल खत्म हो चुकी है मेरे पास, इस नशे को अब ना उतर जाना चाहिए। पुरानी शराब का नशा भी कभी उतरा है मेरी जान? रहने दो अभी मुझे इस खुमार में। ओके, चाय ठंडी हो रही है? हाँ तुम पियो। तुम जब मेरे साथ होती हो तो सब कुछ भूल जाता हूं। सब कुछ भूल जाओ सिवाय मेरे, और याद रखने को है भी क्या? मैं तुम्हारी मंगेतर। उसका नाम क्यों लेती हो तुम? मेरा अच्छा खासा मूड खराब कर देती हो तुम। क्यों, इतनी बुरी है क्या बात? अच्छी या बुरे की नहीं है, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। और फिर जब तुम मेरे सामने हो तो मुझे किसी और को देखने की क्या जरूरत है? अच्छा, अब ऐसी कोई बात नहीं करूंगी इससे तुम्हारा मूड खराब हो। चाय लाऊं? नहीं, बस तुम यहीं बैठी रहो। क्या हुआ, मूड क्यों ऑफ है? हेलो, कुछ पूछ रहा हूं मैं। कोई फायदा नहीं। अच्छा, तो गोया तुम भी फायदे और नुकसान के बारे में सोचने लगी। जाहिर है, बिजनेसमैन की बीवी जो। मेरा कसूर है इसमें? नहीं। हम दोनों आना तो नहीं था मुझे, लेकिन बस जल्दी आ गया मैं। अच्छा किया, तुम्हें मोहतात रहना चाहिए। तंग आ गया हूं यार मैं सिचुएशन से। तो भाई तुम एक फैसला कर लो। ठीक कह रहे हो, लेकिन फैसला करना इतना आसान नहीं है। थिंक अबाउट इट, गिव
फिर ए सेकंड थॉट। आ जाओ। देखिए अगर हम एक दफा टेस्ट करवा। यार मसला क्या है तुम्हारा? तुम जाके सो जाओ। प्रॉब्लम क्या है? मैंने तुम्हें मना किया ना कि इस टॉपिक में मुझसे बात ना किया करो, लेकिन नहीं, तुमने रोज इस टॉपिक पे बात जरूर करनी होती है। हद होती है, तुम मुझे खुश नहीं देख सकती। I promise you, अगले 3-4 महीने मेरा कोई भी बिजनेस ट्रिप नहीं होगा। और कब तक कायम रहेंगे अपने फैसले पर? हमेशा। मेरा बस चले तो कारोबार बीच में आ जाता है, यही ना? क्या करूं यार, इतना बड़ा कारोबार है मेरा, किसी और पर छोड़ भी तो नहीं सकता। क्या वो रेहान तुम्हारे बचपन का दोस्त, उसे अपने साथ क्यों नहीं लगा लेते? तुम जानती हो उसे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे अपनी जॉब की फिक्र पड़ी रहती है बस, वरना मेरे लिए इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। क्या बिजनेस की बातें लेकर बैठ गया मैं तुम्हारे साथ? मैं थक गया हूँ। वो चाय? नहीं, मूड नहीं है। प्यार तो सभी करते हैं, लेकिन इस तरह कोई अपने गले की घंटी नहीं बनाता। अरे यार, टाइम पास करते और निकल लेते। वो टाइम पास नहीं है यार, उसे देखते ही पहली नजर में बेबस हो गया था। अच्छा, पहली नजर? जहां तक मुझे याद पड़ता है इससे पहले भी यही कुछ हो चुका है तुम्हारे से। दिल तो दिल है यार, दिल के हाथों मजबूर हो गया मैं। जानते यार, बहुत देखे तेरे जैसे मजबूर। मेरी जान, इसे मजबूरी नहीं, अयाशी कहते हैं, अयाशी। ऐसी बातें तो मत कर, ऐसी बात होती तो फिर मैं उससे शादी क्यों करता? बड़े खलूस से दिल से मैंने ये रिश्ता जोड़ा है। चाय पिलवाओ? हाँ, श्योर। आपको क्यों नहीं समझ में आता कि मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है, कपड़ों की, जेवरों की, आसाइशों की? मुझे तो सिर्फ और सिर्फ आपकी मोहब्बत चाहिए। जानता हूं तुम्हें इन सब चीजों की ख्वाहिश नहीं है, लेकिन मैं तो अपनी खुशी से लाता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम हर वक्त बनी संवरी रहो। चलो जी, माना कि सजना संवरना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसके लिए? शौहर के लिए, और शौहर के पास तो टाइम ही नहीं है। लेकिन अभी तो तुम्हारे पास हूं ना, और मैंने वादा किया है कि इस बार नो फॉरेन ट्रिप्स। पक्का? पिछले 3 सालों मैंने एक चीज तो सीखी। वो क्या? हर बात पे एतबार करो, लेकिन आपकी बात पे एतबार मैं इतना सा भी नहीं करती। इतनी खराब हो गई मेरी रेपुटेशन। अच्छा खैर, रखो ना, मुझे कॉफी नहीं पिलाओगे? हाँ अजरा। नहीं, अजरा के हाथ की नहीं, तुम्हारे हाथ की। अच्छा, बड़े रोमांटिक हो रहे हैं आज। अच्छी बात है।
तुम समझती क्यों नहीं हो डार्लिंग, मैं जमीनों के मामलात में बाबा के साथ बहुत बुरी तरह फंसा हुआ, जैसे ही फारिग हो जाऊंगा आ जाऊंगा तुम्हारे पास। हाँ तुम पिछले एक हफ्ते से यही कह रहे हैं। बस थोड़े दिन और। तुम नहीं जानती कितना इम्पोर्टेंट मसला है जिसमें मैं फंसा हुआ हूँ, जरा सी बेहतियाती करोड़ों का नुकसान करवा सकती है। अच्छा ठीक है, फिर एक काम करो मुझे पैसे भिजवा दो, मुझे शॉपिंग करो। नो प्रॉब्लम, पैसे का क्या मसला है, सुबह सुबह तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। अब तो खुश हो ना? हाँ। That's like a good girl. Okay, bye, sweetheart. खुदा हाफिज। पैसे कमाना इतना आसान नहीं है, बहुत जान मारनी पड़ती है, बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। जिंदगी की खुशियों को कुर्बान करके कुछ भी हासिल कर लेना ये तो सरासर घाटे का सौदा है। अगर तुम दो लम्हे मोहब्बत के मुझे नहीं दे सकते फिर इतनी सारी दौलत कमाने का फायदा? अभी तो तुम्हारे साथ हूँ ना। बड़ी मेहरबानी आपकी, आप मेरे साथ हैं। हम कहीं जाते नहीं है, कहीं निकलते नहीं है। आखिरी बार बाहर कब गए थे कुछ याद है? आई नो बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन अच्छा हम कल का कोई प्लान करते हैं। मैं 5 बजे आ जाऊंगा तुम्हें पिक करूंगा, पहले हम शॉपिंग पे जाएंगे उसके बाद डिनर, ठीक है? कल तक याद रहेगा? याद रहेगी, चलो। हेलो, याद है कि आज क्या डेट है? आज 25th अप्रैल। ओह नो, आई एम सो सॉरी, मैं तो भूल गया आज तुम्हारी बर्थडे। जी अब ये भी मुझे याद दिलाना पड़ेगा। अच्छा माफ कर दो, नाराज मत होना। यूं करते हैं कि मैं रात में आता हूँ और हम लोग डिनर पर चलें। प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस, पहुंच जाऊंगा रात तक। ओके सी यू। हेलो। हाँ मैं तैयार हो गई हूँ, कब तक आ रहे हो? हाँ हाँ वो असल में डार्लिंग वो बहुत जरूरी मीटिंग में फंस गया हूँ। कैसे समझाऊं तुम्हें? कोई नई बात करो। यूं करते हैं मैं रेहान को भेज देता हूँ, तुम उसके साथ कहीं बाहर चली जाओ। मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी। प्लीज डार्लिंग समझा करो, मुझे इस्लामाबाद पहुंचना है, बहुत जरूरी है। वहाँ अकाउंट्स में बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, मुझे खुद देखना पड़ेगा, प्लीज। अच्छा मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करता हूँ। ओके वापस आमिर। मेरे नसीब में इंतजार ही लिखा है। दरवाजे पे देखो कौन है, इतनी देर से घंटी बज रही है। हाँ वो बेगम साहिबा से बोलो रेहान आए। आ जाओ मैं इधर ही बैठी हूँ। अरे हेलो हेलो कैसी हो? हेलो ठीक हूँ। लगता है इंतजार हो रहा है किसी का। और कर ही क्या सकती हूँ, मेरे नसीब में ये लिखा, खुद ही प्रोग्राम बनाया कि बाहर चलेंगे, अब अचानक से फोन करके कह रहा है कि मीटिंग में फंस गया हूँ, रेहान के साथ चली जाओ। हाँ तो इसमें हर्जी क्या है? गुलाम हाजिर है। अरे इसी बहाने इस गरीब की भी तफरीह हो जाएगी। तो गरीब साहब
चले कोई चाय शाय अगर हो जाती। चलो खाना भी खिला दूंगी। हाँ हाँ चल रहे हैं आइए। किन झमेलों में जाके फंस जाते, मेरी याद ही नहीं आती। याद तो उन्हें किया जाता है जो भूल जाते हैं, और तुम्हें भूलना अपने आप को भूलना है। छोड़ो, मुझे इतना याद करके रखा हुआ है, मेरी सालगिरह भी भूल गई। तुम समझती नहीं हो, मेरी जमीनों का एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस चल रहा है, बस उसमें उलझ के रह गया। उसे छोड़ो, मेरे बर्थडे का गिफ्ट कार्ड बाहर है, जाओ जाके देख लो। बाहर? आमिर, थैंक यू, आई लव यू। बाजी कब गई थी? शाम के टाइम। ठीक है जाओ। अरे इन्हें देखो, क्या हाल है भैया? थैंक यू यार, तो मेरी गैर मौजूदगी में अनिका का कितना ख्याल रखते, कैसे शुक्रिया अदा करूं तेरा? ये क्या बात हुई भाई, एक तरफ दोस्त कहते हो दूसरी तरफ क्यों गैरों की तरह बात करते हो, बहुत अफसोस। एनीवे मुझे चलना चाहिए, ऑफिस का कुछ जरूरी काम है यार, पेंटिंग नहीं किया तो बॉस नाराज होगा। नहीं खाना खा के जाना, अभी कहाँ जा रहे? खाना तो खा लिया, अनिका ने खिलाया। बड़ा मजे का था यार। अरे यार आमिर के लिए लेके आ जाते। चल खैर फिर सही। ओके बड़ी, टेक केयर, बाय बाय बाय। मलिका आलिया की इजाजत हो तो मैं कुछ अर्ज करूं। फिर वही झूठी कसमें दूर ना जाने के वादे। क्या करता है यार, अगर मैं ना जाता तो मेरा लाखों का नुकसान हो जाता, और जो मेरे करोड़ों के जज्बात का नुकसान होता है वो उसकी तो फिक्र नहीं है ना तुम्हें, सिर्फ अपने नुकसान की होती है। करोड़ों क्या है, तुम कहो तो सारी दौलत तुम पर वार दो। एक दफा कह के तो देखो। अच्छा चलो एक काम कर, मैं अपने अगले महीने के सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता हूं और हम लोग वर्ल्ड टूर पर चलते। ज्यादा से ज्यादा 50-60 लाख का नुकसान होगा, लेकिन तुम तो खुश हो जाओगी। अब ऐसी फरमाइश भी नहीं की है मैंने, बस थोड़ा सा वक्त ही मांगती हूं। थोड़ा सा वक्त क्या, मैं तो पूरे का पूरा तुम्हारा हूं। हाँ, एक और झूठ। सब कुछ झूठ हो सकता है मगर ये नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूं, तो ये बात सच है। ये कितने का है जी? अच्छा मैं एक सेकेंड आके। अरे रेहान दो। अरे नौरीन, यहाँ क्या कर रहे हो? बस ऐसे ही। बड़े बेमुरब्बत हो, निकाह के बाद एक दफा भी घर नहीं है। नौरीन सच पूछो तो कई बार सोचा तुम्हारे पास चक्कर लगाऊं, फिर ख्याल आया कि कहीं तुम्हें बुरा ना लगे यूं अकेले आना, यू नो। वाह बड़ी अच्छी सोच है तुम्हारी, मुझे इतना तंग नजर समझते हो। नहीं समझता तो नहीं हूँ, बस एक ख्याल आया था जहन में। अच्छा अभी का क्या प्रोग्राम है? अभी बस यहीं कहीं लंच करूंगा फिर घर। तो एक काम करते हैं, आज का लंच मेरे साथ। तुम्हारी तरफ से? नहीं नहीं। क्या मतलब नहीं नहीं, तुम्हारी दोस्त की बीवी होने के नाते से मैं तुम्हारी भाभी लगती हूँ, और देवर भाभी में कोई तकल्लुफ नहीं होता।
उसके अलावा हम दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता भी तो है, फिर इतना सोचना क्यों? अच्छा बाबा, तुम्हें इनकार करके मुझे मरना है क्या? तो फिर चल। श्योर। जी नारिन। कहाँ हो? फोन रिसीव क्यों नहीं कर रहे? बस एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट बना रहा था, उसमें फंसा हूँ। खैरियत तो है, बहुत संजीदा लग रहे हो। नहीं, इस काम में उलझा हूँ, तुम बताओ। अच्छा आमिर, मुझे 50,000 रुपए चाहिए। 50,000 रुपए? क्यों? मैंने एक बहुत ही खूबसूरत ब्रेसलेट दिखा है, मुझे वो खरीदना है। लेकिन मैंने तुम्हारे अकाउंट में पैसे डलवाए तो थे 2 दिन पहले। वो सिर्फ 20,000 रुपए बचे हैं और ब्रेसलेट 17,000 रुपए का है। 20,000? लेकिन मैंने तो 2,00,000 रुपए डलवाए थे, 2 दिन तो हुए। तुम्हें नहीं देने हैं तो ना दो, लेकिन अब मैं तुम्हें पाई पाई का हिसाब नहीं दे सकती। अच्छा ठीक है, तुम्हें मिल जाएंगे पैसे। ओके बाय। अरे भाई, ये लड़की खाना बहुत मजे का बना रही है, इसको तो मैं जाने नहीं दूंगी। थोड़ी एक्स्ट्रा सैलरी दे दूंगी, लेकिन ये जरा चखें। और ये भाई चावल, मैं तो हैरान होती हूँ कि इतना अच्छा खाना बनाना इसने सीखा कहाँ से। क्या बात है, कल से चुप चुप हो, सब ठीक है ना? नहीं कुछ नहीं, असल में एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा ऑक्यूपाइड। तभी तो कहती हूँ कि इतना सारा काम मत करो, बीमार पड़ जाओगे। I'm fine अनिका, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि इतनी दौलत कमा कर करेंगे क्या, मैंने तो कभी डिमांड नहीं की। तुम बहुत अच्छी हो अनिका, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। अब फजूल बातें मत करो, खाना खाओ बैठ के चुपचाप। ये खाओ, ड्रिंक्स नहीं रखे ना अजरा? अरे भाई, ड्रिंक्स रखना क्यों भूल जाती हो तुम? मेरा जाना बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है, फिर सुबह 10 बजे वाली फ्लाइट बुक करवा। हर वक्त काम की बात, इस काम के अलावा ना बस और कुछ नहीं। काम करूंगा तो तुम्हारे शहाना अखराजात पूरे कर सकूंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे खर्चे रोज बरोज बढ़ते नहीं जा रहे? करोड़ों कमाते हो और मुझे हजारों देते हुए तुम्हारी जान जाती है? हर चीज की कोई लिमिट होती है, लेकिन तुम्हारी शॉपिंग की कोई लिमिट नहीं है। मुझे मेरी लिमिट नहीं बताओ आमिर, वरना मुझे भी तुम्हें तुम्हारी लिमिट्स बतानी पड़ेगी। क्या? तो तुम मुझे मेरी लिमिट्स बताओगे? हाँ आमिर, मैं तुम्हें तुम्हारी लिमिट्स बताऊंगी। शादी करके मुझे कोने में डाल दिया है, ना अपने घर लेके जाते हो ना अपना नाम देते हो, और अब मेरे खर्चे से भी इतना थे। खर्च करो लेकिन लिमिट में रहकर, तुम्हारी फजूल खर्चियां मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बर्दाश्त? तुम क्या बर्दाश्त कर रहे हो आमिर? बर्दाश्त तो मैं कर रही हूँ, वरना बाहर जाके एक एक को बता दूंगी हमारे बीच का रिश्ता क्या है। और जहाँ तक मेरे खर्चे की बात, वो मेरा हक है, अगर तुम नहीं दोगे तो मैं जबरदस्ती ले लूंगी, समझे तुम? गिरे।
शक तो मुझे था ही कि दाल में कुछ काला है और आमिर मुझसे कुछ छुपा रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसने दूसरी शादी कर रखी, वो भी अपनी पसंद की। हाँ तो दूसरी शादी कोई जुर्म तो नहीं है, वैसे हैसियत भी है। हाँ नहीं है, अगर बता के की जाए तो। और तुम रेहान, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाओ। नूरीन, उसने कसम दी थी मुझे। उसकी दूसरी बीवी को मेरे बारे में पता है? तुम अब देखना तमाशा कि मैं उसको उसकी बेवफाई की कैसी सजा देती हूं। Yes. अरे फिक्र क्यों करती हो डार्लिंग? हाँ हाँ, बहुत जल्दी रिजल्ट सामने। अभी तो चिंगारी को हवा दी है, कभी भी भड़क उठेगी। अरे आमिर, क्यों अचानक खैरियत? इस मासूम शक्ल के पीछे कितना मकरूह चेहरा छुपा रखा है तूने। क्या क्या कह रही हो यार, क्या हो गया? ठीक कह रहा हूं मैं, जो हरकत तूने की है उसके लिए तो तुझे संसार कर देना चाहिए। क्या कर दिया मैंने? क्या कह रहे हो आमिर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही यार। समझ नहीं आ रहा लेकिन दिखाई तो दे रहा है। ये देख, ये देखो बेगैरत आदमी। अरे ये झूठ है, ये साजिश है किसी की यार ये। अरे आमिर, ये कोई हमारे बीच में फूट डलवाना चाह रहा है। मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूं आमिर, तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं ऐसी हरकत करूंगा? करूंगा नहीं, कर चुके हो तुम, और इसकी सजा मैं तुम्हें दूंगा। अरे कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया। दिखा दी ना तूने अपने और अपने खानदान की असलियत। आमिर, अब बर्दाश्त जो मेरे खानदान के बारे में कुछ बोलो। कहूंगा, एक बार नहीं हजार बार बोलूंगा घटिया आदमी, ऐसी हरकत के लिए तो तुम्हें जान से मार देना चाहिए। तुम मेरे साथ रह रह के बेजार हो गए हो। तुम्हें मेरे साथ की अब जरूरत ही क्या है? वो है ना रेहान तुम्हारे साथ, तुम्हारा दिल बहलाने के लिए। तुम्हें तो उसका एहसानमंद होना चाहिए कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में मेरा ख्याल रखता रहा वो। हाँ एहसानमंद तो मैं हूं उसका, उसकी वजह से बद किरदार औरत मेरे सामने एक्सपोज हो गई है। बद किरदार मैं हूं या तुम, जो दो औरतों को साथ साथ बेवकूफ बनाते रहे अपनी अय्याशी के लिए? अनिका मेरी बीवी है और वो बहुत नेक और शरीफ औरत है, तुम जैसी नहीं है। और तुम क्या हो? हाँ, जो उस नेक शरीफ औरत को धोखा देके अपनी रात में। वो मेरी भूल थी, मैं आज ही उसे सब कुछ बता दूंगा। अफसोस मलिक साहब, बहुत देर हो चुकी, मैं आज उससे मिलके उसको सब कुछ बता आई हूँ। घटिया औरत, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बस अपनी घटिया जबान बंद करो और मुझ पे इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो। इल्जाम लगा? सबूत है मेरे पास, सबूत देखना चाहती हो ना? ये देखो, देखो ये क्या हरकत है तुम। मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए तुम ये घटिया गेम खेलोगे? मैं गेम खेल रहा हूं? गेम तो तुम खेलती रही हो मुझसे, मेरी दौलत हासिल करने के लिए। इतनी घटिया होगी तुम, ये मैं सोच भी नहीं सकता था। बस मुझे छोड़ना है तो छोड़ दो, लेकिन मेरे किरदार के बारे में एक लफ्ज़ और नहीं कहना।
छोड़ चुका हूँ मैं, ये रहा तुम्हारा तलाकनामा और इसी के अंदर तुम्हारे हक मेहर का चेक भी है, यही चाहती थी ना तुम? फिर जिंदगी बर्बाद करके मुझसे अच्छी तरह खेल के अब तुम ये गेम बताओगे? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जान से तुम क्या मारोगी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मुझे। मुझे पता होता है तो मैं तुझे बहुत पहले जान से मार देता, जान से मार दूंगा तुझे। छोड़ो अमित, छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे, कत्ल कर दूंगा। मर जाऊंगी अमित, छोड़ दो। मत के जावत। लेकिन नहीं, मैं तुम्हारे नापाक खून से अपने हाथ गंदे नहीं करूंगा। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं कि मैं कितना खुशकिस्मत हूं कि मुझे तुम जैसी बीवी मिली। नहीं, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मुझे तुम मिले और तुम्हारी मोहब्बत मिली। मैंने तुम्हारे एतमाद को बहुत ठेस पहुंचाई, बहुत बुरा हूं ना मैं। भूल जाओ, जो होना था वो हो गया। गलती तो इंसान से ही होती है ना, और वैसे भी आजकल की लड़कियों पे एतबार नहीं किया जा सकता, इंसान का ईमान डगमगा ही जाता। कोई बात नहीं, भूल जाओ। बहुत अच्छी चाय है। पुलिस, पुलिस की गाड़ी, पुलिस, पुलिस की गाड़ी। उसमें इतना घबराने की क्या बात है, कोई काम होगा जाओ बुलाओ ने। मिस्टर आमिर मलिक जी, मैं हूँ। हम आपको मिस नोरीन के कत्ल में गिरफ्तार करने आए हैं। कत्ल? ये कैसे हो सकता है? ये बात तो आप ही बता सकते हैं मिस्टर आमिर मलिक कि ये कैसे हुआ। देखिए, ये नहीं हो सकता, मेरे हस्बैंड इस सोसाइटी के बहुत ही मोहतज और शरीफ इंसान हैं। ये ऐसा कर चुके हैं मैडम, इसके हमारे पास सबूत मौजूद हैं। गिरफ्तार कर लो इनको। आप इस तरह गिरफ्तार नहीं कर सकते, मुझे मेरे वकील को कॉल करने दें। ये आपका राइट है मैडम, मगर अभी फिलहाल मुझे इनको साथ ले जाना पड़ेगा। ले चलो इन्हें। नहीं आमिर, आमिर, आमिर नहीं, तुम इस तरह नहीं जा सकते मुझे छोड़ के। तुम फिक्र मत करो, इन्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैं आ जाऊंगा। चलो आमिर, नहीं, आमिर नहीं, मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। तमाम तर गवाहों और सबूत की रोशनी में ये साबित हो गया कि मुल्जिम आमिर मलिक ही मिस नौरीन अली का कातिल है, लिहाजा ये अदालत दफा 302 के तहत मुल्जिम आमिर मलिक को सजाए मौत का हुक्म देती है। अब मेरा क्या होगा आमिर? जो होना था वो हो चुका है, शायद किस्मत को यही मंजूर था। लेकिन मैं तुम्हारे बगैर कैसे जीऊंगी, जिंदगी कैसे गुजारूंगी? तुम अपनी नई जिंदगी स्टार्ट कर सकती हो। मैंने वकील को सारे पेपर साइन करके दे दिए, आज के बाद सारी जायदाद, सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो चुकी है। पता नहीं कुदरत ने कौन से जुर्म की सजा दी है मुझे। बेगुनाह होते हुए भी मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सका।
मगर मेरे अंदर एक बेचैनी सी, वो कौन था, वो कौन था जिसने नौरीन को इतनी बेरहमी से मारा? वो मैं था। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जान से तुम क्या मारोगी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मुझे। मुझे पता होता है तो मैं तुझे बहुत पहले जान से मार देता। जान से मार दूंगा तुझे। छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। मैं मर जाऊंगी, हमें छोड़ दो। तुम्हारे गले में फंदा डालने के लिए ये सबूत काफी है। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? नहीं, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं तुम फिक्र मत करो, इन्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैं आ जाऊंगा। चलो अमन। नहीं अमन नहीं। आमिर, मैं और अनीका एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन अफसोस मैं गरीब था। अनीका के वालदैन ने दौलत के लिए तुमसे उसकी शादी कर दी, फिर मैंने और अनीका ने मिलकर ये प्लान बनाया और इस प्लान में नौरीन को इस्तेमाल किया। वो जो तस्वीरें तुमने देखी थी ना मेरी और नौरीन की, अनीका ने खींची थी, अच्छी थी ना? इसी ने उन्हें तुम तक पहुंचाया था और फिर उस दिन तुमने छुरी उठा ली मुझ पर। अब भैया इसे तुम अपनी बदकिस्मती समझो या मेरी खुशकिस्मती, उस छुरी पे तुम्हारी उंगलियों के निशान आ गए। वो छुरी हमारे बड़े काम आई, एक किराए के कातिल ने उसी छुरी से नौरीन का कत्ल कर दिया। So, my dear friend, ये सब हमारे प्लान का हिस्सा है। और गवाही के लिए जिस आदमी को बुलाया वो भी ऑब्वियसली खरीदा हुआ। तो इस तरह मेरे दोस्त, तुम्हारी सारी दौलत, सारी जायदाद और अनीका का प्यार हमेशा के लिए मेरे हिस्से में आया, और तुम्हारे हिस्से में फंदा, 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 फंदा। सॉरी, अब शायद मुलाकात ना हो। हैव फन, बाय।